सेक्शन नंबर 29 एंड 30, जी हाँ, वर्ड एलिमेंट्स के चैप्टर की आज खात्मा करेंगे हम लोग। आज हम लोग इस चैप्टर खत्म कर देंगे, नेक्स्ट हम लोग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद शुरू करेंगे। सो, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो वी नीड टू कवर टू टॉपिक्स, यानी कि एम्बिगुअस एग्रीमेंट्स यानी कि अनसर्टेन एग्रीमेंट्स होता है तो क्या होता है, और वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट्स की, तो तुम अभी फिलहाल के लिए समझ के चलो हम लोग सट्टे के समझने जा रहे हैं आज। और हाँ, अगर एम्बिगुअस एग्रीमेंट्स में अगर एक एग्जांपल लेके जाओ, तो समझो कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं 500 की किताब तुमको बेचूंगा, या 400 की बेचूंगा, या मैं 700 की बेचूंगा, मेरा जो मूड होगा उस हिसाब से बेचूंगा। तो इस एग्रीमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि व्हाट इज द प्राइस जो कि कंसिडरेशन बनेगा, वी डोंट नो अबाउट इट। सो इट इज ए वॉइड एग्रीमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 29। तो हां जी, शुरू करते हैं वेयर एक्ट की भाषा को समझना और सेक्शंस के केस लॉस के थ्रू उसको तोड़ मरोड़ के पढ़ लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एम्बिगुअस एग्रीमेंट्स, एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। बात करते हैं सेक्शन नंबर 29। इट सेज कि एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन एंड इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। ना ही अभी किसी एग्रीमेंट की जो कंडीशंस है वो सर्टेन है, ना ही वो भविष्य में सर्टेन हो सकती हैं। इफ दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज देयर, देन इट इज अ एम्बिगुअस एग्रीमेंट, एंड इन दैट केस इट इज वॉइड इन नेचर, इट हैज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इट। सो इफ यू टॉक अबाउट केस लॉ, यानी कि कल्याण सिंह वर्सेस रंजोत सिंह की बात करें, तो होता क्या है समझने की कोशिश करो। लगभग 37,500 में बारबेरी ट्रूट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक इंसान सेलर से बायर की तरफ। ठीक है, नाउ द बाय जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू होता है, और क्लॉज जो है एग्रीमेंट में वो पढ़ो, मैं एग्जैक्ट लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए भाषा, जिसमें पेज है। कहता क्या है क्लॉज कि द चेक, वो कब तक कैश नहीं होगा, विल नॉट इनफोर्स द पे ऑफ चेक टिल द गुड्स वर रिसीव्ड, यानी कि जब तक सामान नहीं आया तब तक नहीं हो सकता है। अब यहां पे एक बात समझने की कोशिश करो कि वो बारबेरी रूट का ट्रांजेक्शन एक महीने में होगा, या 5 दिन में हो जाएगा, या 1 साल लगेगा, उसके बाद कैश होगा। तो इतना अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। सो यहां पे जब कोर्ट में ये बात गई, तो कोर्ट ने कहा बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज दिस बिकम्स अ एम्बिगुअस एग्रीमेंट एंड इट कम्स अंडर अ सेक्शन नंबर 29। क्लियर है? नेक्स्ट, जो इस चीज को और अच्छे से समझाएगा तुम्हें, एक केस आता है हमारा पुष्पबाला राय वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। देखो यहां पे क्या होता है, राधेश्याम राय नाम के एक आदमी होते हैं जो कि LIC कंपनी में काम करते हैं, वहां के एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज ही डिडंट टेक आउट हिज सैलरी फॉर लाइक 3 to 4 years समथिंग, है ना, बहुत लंबे समय तक वो एक अमाउंट उनका कलेक्ट हो जाता है वहां पे। अब वो कॉरपोरेशन क्या कहती है कि पेमेंट ऑफ सैलरी के रिगार्डिंग जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉरपोरेशन उनसे क्या कहती है, समझने की कोशिश करना। कॉरपोरेशन सेज कि हम आपका जो पेमेंट है वो या तो लंपसम में करेंगे, एक साथ कर देंगे, या इंस्टॉलमेंट में कर देंगे, या 1 साल में कर देंगे, या कुछ सालों के अंदर कर देंगे। एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो, इट सेज कि लंपसम इंस्टॉलमेंट 1 or more years, ठीक है, एंड व्हेन द कंपनी इज इन अ पोजीशन टू डू सो। तो कंपनी कब आएगी पोजीशन में, इसका कोई जवाब है? इट सेड कि इतना ज्यादा एम्बिगुअस आप बना रहे हो इसको, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस एक्चुअली है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन सेक्शन नंबर 29। इज इट क्लियर? सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड वाज कि दिस क्लॉज और दिस एग्रीमेंट वाज डिक्लेयर्ड व्हाई एंड कंपनी वाज मेड टू पे द अमाउंट बिकॉज दिस इज ऑफ एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट की। वेजरिंग एग्रीमेंट में सिंपल समझो, सट्टा खेल रहे हो। क्या होता है, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करो ना, तो मैं कहूंगा सेक्शन नंबर 30 में डेफिनेशन को दिया गया है, और कार्लिल वर्सेस कार्बोले के स्मूथ बॉल के केस में जो हॉकिंस जे नाम के जज थे, इन्होंने एग्जैक्टली इस डेफिनेशन को आपके लिए फॉर्मुलेट किया है, जिसके थ्रू ही हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बने हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम तुम्हें डेफिनेशन समझाना चाहें, तो साथ में मेरे साथ इंग्रेडिएंट्स पढ़ो और तुमको समझ में आएगा कि क्या क्या जरूरत चीजें हैं।
बात करते हैं वेजर की। वेजर में क्या होता है कि अपोजिट व्यूज अबाउट एन अनसर्टेन इवेंट, कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट मान लो जो होने वाला है उसके बारे में मेरी मान्यता है कि वो होगा, तुम्हारी मान्यता है कि वो नहीं होगा, और उसके होने या ना होने पर पैसे का ट्रांजेक्शन हो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें आगे ही बताया। चलो दूसरा हम लोग एलिमेंट खुद ही पढ़ लेते हैं। कहता क्या है कि अपोजिट व्यूज हो, सेकेंड इज चांसेस ऑफ गेन और लॉस टू द पार्टीज हो, वही पैसे का ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ बेट, जो पैसा इधर उधर जा रहा है इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट ना हो। देखो इस चीज को एलैबोरेट करने के लिए मुझे थोड़ा समय दो, तुमको अच्छे समझ में आएगा। पहले पॉइंट से शुरू करें, अपोजिट व्यूज ऑफ द पार्टीज अबाउट एन अनसर्टेन इवेंट। तो यहां पे हम लोग उठाते हैं इस बात को कि जैसे कोई अगर गेम है, वहां पे मैं कहता हूं कि धोनी छक्का मारेगा, तुम कहते हो नहीं मारेगा, इस बात पे 5000 रुपए की हमने तुमसे शर्त लगा ली, ठीक है। अब धोनी ने छक्का मारा और तुमने हमें पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि सर इन्होंने हमसे किया एग्रीमेंट और ये हमें पैसे नहीं दे रहे हैं? द आंसर इज नो, क्लियर कट। क्यों? बिकॉज यहां पे ये एक सट्टा है, ये वेजर है, सेक्शन नंबर 30 के द्वारा हिट हो रहा है। हुआ यहां पे क्या, ऑपोजिट व्यूज थे दोनों पार्टी के अबाउट एन अनसर्टेन इवेंट, क्लियर है केस। मैं ताले वर्सेस कार्बोलिक स्मूल का केस क्यों रखा है यहां पे, मैं बताया कि इसकी डेफिनेशन यहां पे यही दी गई थी। इस केस के बारे में नहीं बताया तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखो जाके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मेजर केस लॉ है हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट बताते हैं, चांसेस ऑफ गेन और लॉस टू द पार्टीज। देखो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, या तो एक पार्टी को गेन होगा या दूसरी पार्टी को गेन होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगी, नहीं जी। यहां पे पैसे को एक पार्टी से जंप करके दूसरी पार्टी पे जाना होगा, जैसे कि अगली वीडियो में हम समझेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मान लो बारिश होगी या नहीं होगी, अनसर्टेन इवेंट की बात वहां पे होती है, उस बात पे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस नॉर्मल होती हैं जहां पे दोनों ही पार्टियों का आपस आपस कुछ इंटरेस्ट हो रहा होता है, लेकिन जब हम वेजरिंग की बात करते हैं तो चांसेस ऑफ लॉस और गेन टू द पार्टीज होता है, जहां पे पैसा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है कि छक्का मारेंगे या नहीं मारेंगे पे 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन एक से दूसरे को हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहां पे केस लॉ उठाते हैं डिगल वर्सेस हाइज का। होता क्या है, दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, 200 पाउंड जमा करते हैं और रेस वॉकिंग का कंपटीशन करते हैं, सॉरी रेस वॉकिंग के ऊपर सट्टा लगाते हैं कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ठीक है। नाउ द पर्सन हु विंस गेट्स द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अदर पर्सन ऑल्सो, मतलब कि उसके पास 400 आ जाएंगे, इसके पास 0 हो जाएगा। सो यहां पे कोर्ट ने कहा कि दिस वॉज अ काइंड ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड इट हैज नो वैलिडिटी ऑफ इट्स ओन, इट्स वॉइड इन नेचर, क्लियर है, बिकॉज ऑफ द सेकेंड कंडीशन बीइंग सैटिस्फाइड एंड अनसर्टेन इवेंट तो ऑलवेज देयर हो गई होगा, क्लियर है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ बेट। देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि छक्का मारेंगे, उस एग्जाम्पल लेके चल रहे हम लोग, तो यहां पे माही के छक्का मारने से में तुम्हारा कोई लाभ या हानि है? मान लो ठीक है, अब तुम ये मत कहने लगना कि हम इंडिया के देशभक्त एंड ऑल, नहीं नहीं, एक्चुअल लाइफ में कोई लाभ या हानि है, एक स्टूडेंट माइंड की तरफ सोच के दिखाओ, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहता हूं कि तुम एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, वहां पे तुम अपने घर के मतलब इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी जल जाती है, उस प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान हो जाता है, तो पैसा जो है तुम्हें मिलता है, वहां पे अनसर्टेन इवेंट होता है, तुम्हें गेन होता है, बट यू डोंट हैव दैट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द मनी विच यू विल बी गेटिंग। द इंटरेस्ट वॉज कि यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर हाउस, तो यहां पे यू हैव सम अदर इंटरेस्ट अदर देन द मनी, so that was not present in wagering agreements,
सो दिस हैपेंड इन द केस ऑफ ब्रह्मदत्त शर्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया. होता है यहां पे क्या है, ब्रह्मदत्त जी हमारे एक टीचर होते हैं स्कूल के, इनके पास सफिशियंट फंड्स नहीं होते हैं किसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के. अब क्या होता है कि एक ये एक फाइनेंसर से पैसे जो हैं लेते हैं उस पॉलिसी को खरीदने के लिए लगभग 35,000, और नॉमिनी जो है ना उस फाइनेंसर को बनवा देते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, फाइनेंसर नॉमिनी बन जाता है. अब जब ये ब्रह्मदत्त शर्मा जी मरते हैं तो फाइनेंसर ले पहुंचता है पैसे, तो कोर्ट कहता है कि यहां पे अपार्ट फ्रॉम द मनी इन्वॉल्व्ड यू डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन दिस पॉलिसी, यू डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इन द लाइफ ऑफ ब्रह्मदत्त. वाइफ और सन अगर ये पैसा क्लेम करते हैं, अगर वो नॉमिनी बनाए गए होते, देन इट वुड बी अ डिफरेंट केस, बट द एग्रीमेंट विच मेड हिम द नॉमिनी, द फाइनेंसर द नॉमिनी, इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट एज इज मार्क्ड बाय द कोर्ट एंड दस इट इज वॉइड. तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, क्लियर हो रहा है, एसेंशियल हमारे तीनों क्लियर है, टॉपिक का निचोड़ हमने ले लिया है. अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस की, बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर स्पेक्यूलेटिव एग्रीमेंट्स. देखो ये दोनों ही कंडीशंस होती हैं. क्या होता है जब हम भविष्य में, मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें आज से 4 महीने बाद कोई चीज मैंने खरीदी और मैं उसको 4 महीने बाद बेच दूंगा, ऐसा मैं कहीं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं. अच्छा और अच्छे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज है सबको, तो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, आज शेयर खरीदते हैं जिस भी प्राइस पे, भविष्य में देखते हैं कि अगर उसका प्राइस ऊपर जाता दिखता है तो उसको होल्ड करके रखते हैं और नहीं बेचते हैं, और अगर उसका प्राइस लगता है गिर जाएगा तो हम उसे बेच देते हैं. दोनों ही कंडीशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, तो इट्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन. तो अगर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन यही तो हुआ, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं आगे क्या होगा, उस हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. कुछ फील आ रही है. ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन की कंडीशन जो है वो क्या है और कब वो वेजरिंग बन जाएगा वो समझने की कोशिश करो. तो अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है हमारी इंटेंशन है डिलीवरी करने की, यानी कि हम जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की उसको हम बेचने, एक्चुअली उसमें डिलीवरी करने का हमारा मन है, तो हम कहेंगे कि ये एक स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ सच डिलीवरी ऑफ गुड्स, देन इट विल बी कॉल्ड अ वेजरिंग एग्रीमेंट. एंड इन द केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट द इंटेंशन इज ओनली देयर टू पे द डिफरेंस इन द अमाउंट, यानी कि जो पैसा बढ़ा या घटा विद टाइम उस पैसे को पे करने का ही इंटेंशन होता है. तो दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, दैट फर्स्ट कंडीशन इज द इंटेंशन ऑफ डिलीवरी इज देयर, सेकेंड कंडीशन इज अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ प्राइस मूवमेंट इज देयर. ठीक है, वही ना, आगे जाके पैसे बढ़ भी सकते हैं, शेयर कम भी हो सकते हैं, सो वी आर टेकिंग दैट शेयर विद द रिस्क ऑफ द प्राइस मूवमेंट है ना. So that is a speculative transaction in which we are getting into. Next is when there is no intention of delivery, then it becomes a wagering agreement, and in that only difference is paid. Is it clear? Any doubt? Okay. अगर कोई doubt है तो comment section में पूछ सकते हो. Next एक final point समझने की कोशिश करो. अगर हम बात करें lottery की, तो lottery तो एक बहुत common term है ना, सबको पता है. So, क्या लॉटरी के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो वैलिड होते हैं? अगर मैं लॉटरी की टिकट बेच रहा हूं एंड इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड ऑफ दैट, इफ यू गेट दैट पर्टिकुलर नंबर जिसकी वजह से तुमको वो ट्रांजेक्शन हो, तुम लॉटरी जीत गए, सो कैन यू क्लेम इन द कोर्ट कि सर आई वॉन दैट लॉटरी, इज नॉट गिविंग मी द अमाउंट? जी नहीं, कोर्ट सेड कि लॉटरी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड दस इज हिट बाय सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमारा केस लॉ इसमें देख लेते हैं हम लोग, सुभाष कुमार मानवानी वर्सेस स्टेट ऑफ MP में यही होता है कि एक इंसान जीतता है उसको मना कर दिया जाता है. अब इसमें एक और बात याद रखो, इवन इफ स्टेट सेज, स्टेट के पास अपनी पावर होती है ना कुछ लेजिस्लेशन बनाने की, इवन इफ स्टेट सेज कि दैट दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड, इज ए वैलिड वन, लॉटरी निकालेंगे या फिर मान लो स्टेट ही कोई ऐसी लॉटरी निकालती है, देन ऑल्सो it will be coming under a wagering form of agreement and it will not be a valid contract as was said by the court. Theek hai, are we clear with this?
क्या किसी को तेजी मंडी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है? कमेंट सेक्शन में बताओ। आज का होमवर्क है, पढ़ के आओ, इसी से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 30 से, यू विल गेट टू नो अबाउट इन योर टेक्स्ट बुक्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हाँ मजे